नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल। बहुत स्वागत है आपका। मैं आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा घोटाला करने का प्रयास जिसकी रकम इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग इस घोटाले को सुनने के बाद सभी हस्तप्रभ रह गए। ये मामला लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक का है, जहां पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास को करने वाला कोई और नहीं, बैंक के पूर्व कर्मचारी और उनके द्वारा लाए गए कुछ हैकर्स थे, जिन्होंने बैंक में प्रवेश करने के साथ साथ गेस्ट हाउस के अंदर जाने की बात कही, जो कि इसी बैंक के 8वें तल पर बना हुआ है। वहां पर जाकर उन्होंने गेस्ट हाउस में ना जाकर वो लोग उससे पहले की एक मंजिल 8वीं मंजिल में चले गए, जहां पर अकाउंट्स का सारा काम होता है, यानी कि तमाम पैसों का लेना देना और ट्रांसफर, ये सारे काम किए जाते हैं। आपको सुनकर अचंभा जरूर लगेगा कि इसमें पूर्व कर्मचारी, पूर्व प्रबंधक इसमें सीधे तौर से इन्वॉल्व हैं, जिनके द्वारा बैंक में 2 अन्य हैकर्स को साथ में प्रवेश कराया गया, ये बताते हुए कि हम लोग इस जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह बैंक का गेस्ट हाउस है, ना कि वो सेक्शन जहां पर वो जाना चाहते थे, जहां पर वो गए, यानी कि वो अकाउंट सेक्शन में चले गए, यानी कि 8वीं फ्लोर पर बने अकाउंट सेक्शन में चले गए, जहां पर जाकर उन्होंने तमाम पैसों के बारे न्यारे करने की कोशिश की। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 70 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर भी कर दिए, और वो 70 करोड़ के साथ कुछ पैसा और भी था जिसको वो ट्रांसफर करने की फिराक में थे, कि इससे पहले वहां के जो गार्ड थे, वहां के जो इंचार्ज थे, उन लोगों ने उन्हें रोक लिया, उनको पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि वो लोग मौका वारदात से भाग निकले। बताया ये जा रहा है कि वो जीने के जरिए भागकर नीचे पहुंच गए और वहां से निकल गए। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज DIG एस कोलांची, जो कि साइबर सेल के प्रभारी हैं, साइबर थाने के प्रभारी हैं, वो बाकायदा पहुंचे, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में पूर्व प्रबंधक और कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, साथ में उन तमाम हैकर्स, यानी कि अज्ञात हैकर्स के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की रकम थी जिसके वो वारे न्यारे करना चाहते थे, अलग अलग बैंक खातों में ले जाना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्तैदी की वजह से ये पैसे, जिसमें से आधे पैसे तकरीबन 70 करोड़ रुपए जो बताए जा रहे हैं, वो ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिनको रोक लिया गया। अलग अलग बैंकों से संपर्क करने के बाद गेटवे से वो पैसा वापस ले लिया गया, यानी कि एक बड़े घोटाले को होने से रोक लिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, कोई अंदर का व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको भी निकालकर सामने लाया जाएगा। लगातार जांच चल रही है। एस कोलांची DIG खुद इस पूरे मामले का निरीक्षण कर रहे हैं, बाकायदा वो आज पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ, इस पूरे मामले की जांच की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पूर्व कर्मचारी तमाम उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर इस घटना को कारित कर रहे हैं, जिनके द्वारा इतनी बड़ी घटना को करने का प्रयास किया गया, अब उन लोगों को सभी के सामने लाना है, उन लोगों की गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक तमाम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा में इससे पहले रह चुका है। हालांकि जिस तरह से यह घटना घटित हुई, यह तमाम सवाल या निशान लगाता है सिक्योरिटी चेक्स पर, तमाम उन लोगों पर जो कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हैं, तमाम उन लोगों पर जिन्होंने पूर्व कर्मचारियों को इस तरह से आसानी से जाने दिया गया। बैंक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को निलंबित कर दिया है, अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में किस किस व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आता है, किस तरह से वो लोग बेपर्दा किए जाते हैं, किस तरह से उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है, ये कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। इंडिया न्यूज डिजिटल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। हम आगे अन्य खबरों के साथ भी, क्राइम की खासकर खबरों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।